विज्ञान और आध्यात्मिक का जो मिला किया जाए तो धर्म के बीच में जो असामंजस्यता है वो दूर होगा क्या? ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न किया बेटा। अध्यात्म को सही रूप में जाने तो अपने आप में वह परिपूर्ण विज्ञान सिद्ध होता है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्णचंद्र का वचन है, अध्यात्म विद्या विद्या नाम। दर्शन, विज्ञान और व्यवहार तीनों धरातल पर सनातन वैदिक आर्य सिद्धांत सर्वोत्कृष्ट सिद्ध है। लेकिन आजकल जिसको विज्ञान कहते हैं उसमें विसंगति यह है कि शरीर को आत्मा मान कर ही आज का विज्ञान विकास को परिभाषित और क्रियान्वित करता है। ऐसी स्थिति में विज्ञान की धारा अध्यात्म से विमुख होकर बहुत दूर तक प्रवाहित हो गई है। आधुनिक विज्ञान में ही सामंजस्य साधना कठिन है। उदाहरण यह है, एक और तत्व एलिमेंट पदार्थ का आकलन जब वैज्ञानिक करते हैं तो हम उन्हें अध्यात्म के सन्निकट पाते हैं। जैसे कि भगवद गीता के दूसरे अध्याय में कहा गया, अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। ये जितने भी पदार्थ और प्राणी हैं ये उत्पत्ति के पहले अव्यक्त थे, भविष्य में यह अपने मौलिक स्वरूप को प्राप्त होकर अव्यक्त ही हो जाएंगे। जैसे अव्यक्त का व्यक्त होना सुनिश्चित है, वैसे ही व्यक्त का अव्यक्त होना भी सुनिश्चित है। या जो गीता के दूसरे अध्याय का सिद्धांत है, आजकल के वैज्ञानिक अपने शब्दों में इसको उद्घोषित करते हैं, मैटर इज नथिंग बट एनर्जी, तो बात दूर की है। पहले वे कहते हैं मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। किसी भी पदार्थ की आकस्मिक उत्पत्ति नहीं होती, ऑल ऑफ सडन एकाएक कोई पदार्थ उत्पन्न नहीं होता। उत्पत्ति के पूर्व उसका मौलिक स्वरूप विद्यमान रहता है, अपने मूल रूप में वह पहले से ही विद्यमान रहता है। और किसी भी पदार्थ का निरन्वय नाश नहीं होता, पूर्ण रूप से कोई भी पदार्थ विलुप्त या विनष्ट नहीं होता है। वो तत्व की दृष्टि से विचार करें तो वैज्ञानिक अध्यात्म के उन्मुख दिखाई पड़ते हैं, बल्कि गुप्त या प्रकट रूप में वैदिक वाङ्मय का अनुशीलन करके या करवा के वे वैज्ञानिक क्षेत्र में प्रगति करते हुए दृष्टिगोचर होते हैं। हमने अभी कहा था मैटर इज नथिंग बट एनर्जी, पदार्थों में विविधता दिखाई पड़ती है, लेकिन उन विविधताओं के मूल में जो ऊर्जा सन्निहित है उसमें विविधता वास्तव में नहीं है। वहाँ जाकर पदार्थों की एक रूपता सिद्ध होती है। लेकिन आगे प्रश्न होता है कि वो एनर्जी जड़ है या चेतन, जगत उसका परिणाम है या विवर्त। इन सब पहलुओं का समाधान
वेद सम्मत अध्यात्म विज्ञान का आलंबन लेकर ही संभव है। तो तत्व मीमांसा या तत्व विवेचन या पदार्थ के निर्धारण के क्षेत्र में अध्यात्म के सन्निकट विज्ञान दिखाई पड़ता है, लेकिन व्यवहार में भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, उत्सव त्यौहार, रक्षा, सेवा, न्याय, विवाह आदि के जितने प्रकल्प हैं वे शरीर को आत्मा मानकर क्रियान्वित हैं, अतः दिशाहीन हैं। हम भगवद गीता के 18वें अध्याय की शैली में कहते हैं, वेद असम्मत विज्ञान के द्वारा ही आजकल विकास को परिभाषित और क्रियान्वित किया गया है, अतः विकास की परिभाषा और उसके क्रियान्वयन की विधा दोनों विसंगति से युक्त है। हमने आपके प्रश्न का यह उत्तर दिया कि वैज्ञानिकों को अध्यात्मनिष्ठ जो महानुभाव हैं उनसे संपर्क साधकर अध्यात्म विहीन विज्ञान का पक्षधर न होकर अध्यात्म सम्मत विज्ञान का पक्षधर होना चाहिए, तो वैज्ञानिक क्षेत्र में उचित संतोषप्रद विश्व के हित में सन्निहित प्रगति का मार्ग प्रशस्त हो सकता है।